अदील साहब को ये डाइनिंग टेबल पसंद आ गई है। बहुत प्यारी है। यस मेरी सारी सोनी सोनी YouTube फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग भी होंगे ठीक ठाक और अपने अपने घरों में हंसता बसता। अल्लाह ताला आप लोगों को रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अम्माए मेरा बेटा भी बोल रहा है अम्माए। अच्छा जी, हम लोग आए हैं आज कहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। अच्छा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी जगह है। अगर नहीं भी हुआ तो थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगी कि हम कहाँ पे हैं और क्या करने आए हैं। एक मेन काम करने आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए जी, अभी आप लोगों को हो जाएगा आइडिया। अदील साहब को ये डाइनिंग टेबल पसंद आ गई है। यस, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम आए हैं हेराज की तरफ और हम क्या करने आए हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। और हवा इतनी प्यारी चल रही है कि बहुत ही मज़े का मौसम है। 2000 रियाल की है ये। किधर का बना हुआ है? ये चाइना वाला भाई। चाइना वाला है। चेयर मजबूत है। जी बच्चे बैठ गए हैं गाड़ी में और गाड़ी को लगा दिया लॉक क्योंकि यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। तो ये देखिए आदी, ये वाला बेड है, ये 150। अच्छा जी, मैं मोहम्मद के लिए बेड लेने आई हूँ। मोहम्मद को अब करूँगी सेपरेट और मोहम्मद की अब एज भी है कि अब ये सेपरेट सोएंगे, इनको आदत होगी तो इनके लिए मैं लेने आई हूँ बेड। इस तरह की देखो, ये हमारे बेड तक आएगा है ना। गद्दा लाना पड़ेगा बड़ा वाला, बड़ा गद्दा आएगा तो यहाँ तक आएगा, हमारे बेड तक आएगा। वो पेंट नहीं हुआ वा, ऐसा लकड़ी का कलर है। हाँ लकड़ी का कलर है। तो आप 150 का बोल रहे हैं, 100 का दे दो। सिंगल सिर्फ बेड ही है ना, एक बेड ही है ना। 100 रियाल का दे दो क्योंकि इसका मैट्रेस भी तो लेना है। मैट्रेस भी लेना पड़ेगा। 100 रियाल का देना है तो बात करो है। 120 भी नहीं, मैं पूरे 100 दूंगी। अगर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। 100 रियाल ना, पटरे पूरे सही हैं, देखो नीचे से दिखाना था भाई, पूरा पटरे वगैरह देख लो उठा के। ये देखो नीचे खचाप है। फिर आपको कुछ रखने की जगह मिल जाएगी, आप तो चाहती हैं कुछ चीजें मिल जाए बस जगह। चलो जी, इसके नीचे मेरा सामान आएगा। अच्छा भाई, अभी से क्या हो गया है? अभी से ये डिसाइड कर रहे हैं कि नीचे क्या आएगा।
ये वाला है ना, ये छोटा मतलब थोड़ा सा नीचे होगा, फिर पूरा सेम सेम बराबर नहीं होगा। कितने का भैया? कितने का? 550 फिटिंग के साथ, डिलीवरी के साथ 550। गद्दा नहीं है ना, गद्दा का लेना पड़ेगा। अंकल ने स्पेशल हमें बुलाया है पीछे से, आप देखते हैं अंकल क्या सरप्राइज देते हैं भाई। पीछे से हमें आवाज़ दे के बुलाया है कि इधर आ जाओ। पता नहीं अंकल के पास क्या सरप्राइज है, हमें इतनी एमरजेंसी में बुलाया है पीछे से। क्या हो गया अंकल? वो ले लिया ना आपसे, देख कर गया था। हमें छोटा बच्चे का बेड चाहिए, हमें तीन आदमी का, एक दो तीन नीचे के, तीन आदमी का। इतना बड़ा बेड नहीं चाहिए हमें, ये बहुत बड़ा है। कितने का दे रहे हैं आप? फिटिंग के साथ, बगैर फिटिंग का? फिटिंग के साथ कितने? 600 रियाल दे दो। 600 रियाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 600 रियाल का तो हम बड़ों का बेड सेट आप बिक रहा है। तीन आदमी है नीचे के, एक एक तीन आदमी का है भी तो बहुत बड़ा। 200 का देना है, 200 का दे दो। एक ही रेट बताओ, एक रेट और देने वाली बात। 150 में? आपने अपना रेट बता दिया, हम अपना रेट बताए। जगह बहुत छोटा है। क्या जगह छोटा है? एक ही पीस चाहिए, ये अलमारी मोहम्मद के लिए ना। ठीक है, 70 170 पक्का मंगा सर। यानी हमारा 170 चढ़ाई लंबाई 170 है पीछे को। हमारा साइज है, हमारा साइज अब तो आपको साइज नहीं है, हमारा साइज। वो कितना बड़ा फिटिंग करे यार, वो दिखाओ जरा निकाल के इसकी लंबाई। हमारा साइज है ना, 190 ना। कितने का? कितने का प्राइस है? हैं? दोनों की क्या प्राइस है पहले बताओ तो सही। दोनों 300 रियाल? 300 रियाल तो बजट नहीं है, हम उससे आया ही नहीं है हराज में कि 300 रियाल में लेना। 300 रियाल 300 रियाल का होम सेंटर में मिल रहा है। ये टीवी का है, ये असल में हमारे बेड से भी मैच हो जाएगा ना। बड़ा है ये, नीचे है। चले मोहम्मद, मोहम्मद बैठो बैठो। वेरी गुड, अब लेने आए हैं मैट्रेस मोहम्मद साहब के लिए। मामा के साथ बैठे रहो। ये वाला 1400 कितने का? 1400 सेकंड हैंड है ना? हाँ, तो फिर इतना महंगा क्यों? 1400 रियाल का इतना महंगा क्यों? आप कितना देगा? बहुत महंगा। कितना दे? ये पूरी मजलिस 1100 रियाल बहुत महंगी है 1100 रियाल में। ये रमादी वाली है, रमादी वाली कितने की है? 1000 रियाल की। हैराज आए और हैराज में आके ये चिप्स ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अदील साहब लेने गए हैं चिप्स, जो ऊपर ये सॉस वगैरह डाल के देते हैं वो बहुत ही मज़े के चिप्स लगते हैं उसके साथ। तो अदील साहब लेने गए हैं बच्चों के सिंपल नमक वाले, और मेरे जो है ना डलवा के आएंगे सॉस।
चिप्स के ऊपर। हैराज का बलीला और हैराज के चिप्स ना खाओ तो अधूरापन लगता है। ये बच्चे जो है ना इस तरह लाइन में बैठी हुई है, गरम है बेटा, ध्यान से। आपको भी दे रहे हैं, बेचारी पीछे वाली को भी दे दो। ये लो बेटा, ये लो, जाना सही से पकड़ो बेटा, मजबूती से। इनाया सही से पकड़ो, चलो चलो जी बेटा, आराम से बैठ के खाओ। मैट्रेस पे रख लो, मैट्रेस ऊपर से पापा ने साफ करवाया है, जिनसे लिए ना मट्टी नहीं है, माशाल्लाह साफ है। और आशा आप सही बैठी हो, इजी हो? ग्रीन सॉस आदि, ग्रीन सॉस और रेड सॉस। पापा इतनी कंजूसी से डाल रहे हैं जैसे पापा की अपनी शॉप है और सॉस खत्म हो जाएंगे। ग्रीन वाला डाला आपने? डाला। हाँ उसको बोलो कंजूसी ना करे। ये देखिए फ्रेंड्स, मजे के चिप्स, मजे के सॉस ऊपर डाल के दिए हैं अदील साहब ने। ये देखिए यहाँ पे ना कुकर में भी कुछ पक रहा है, चूल्हे पे रखा गया है। ये देखिए ये आंटी कुछ पका रही हैं कुकर में, अदील कह रहे हैं अपने लिए खाना बना रही हैं। जाना चलो बाहर। कम आधा आशरा मिया आशरा। कितने कितने का भाई? हाँ कितने का? 40-40 50-35 ले लो ना, मैं डिस्काउंट करेगा। कितने का है सारा? कितने कितने का है? 40-35 कितने कितने का? कितने? हाँ
40 रियाल। ये कितने का है? 35। ये 35 का? वो भी 35। पॉकेट वाला नहीं है? पॉकेट वाला है इधर। इधर और भी है। नहीं, इस तरह का पॉकेट वाला नहीं चाहिए। अच्छा सा डिजाइन हो। इस तरह से देखो। हाँ भाई, ये निकाल के दिखाओ। सारे एक ही डिजाइन के रुके हैं, एक ही कलर के। भाई ये बच्चों का कितने का है? हाँ, बच्चों का 30 का, बड़ों का 35 का और बच्चों का 30 का। हाँ, बड़ों का भाई बताओ कितने का है? ये वाला कितने का है? हाँ, इसमें कलर वाला नहीं है? हैं, इसमें कलर वाला नहीं है? और ये वाला कितने का है? ये वाला 50 का। क्यों इतना महंगा? क्यों? ये नवा डिजाइन है। ये नवा डिजाइन? नवा डिजाइन तो नहीं है, एक लैस ही लगी हुई है उसके ऊपर। ये वाला कितने का है? बिल्कुल सिंपल है, डिजाइन वाला नहीं है पॉकेट में। 58 दिखा दो। हाँ, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो। पैकेट करूं? हाँ। हाँ? लास्ट टाइम चादर मैंने वहां से कटवाई थी, पता है?
जेब दस दस रियाल में मंगल सूत्र लग रहा कम है दा हमसीन रियाल मीटर दीवानी नहीं करो फिर अभी नहीं तोड़ेगा अभी कितने दिन लगेगा अभी नया बनाएगा फिर उधर जाएगा आप अच्छा मोहम्मद कहाँ बैठा हुआ है हैं नीचे है बेड और ऊपर है मैट्रेस तो बच्चे बैठे हुए हैं ऊपर मैट्रिक्स के और मोहम्मद साहब भी चले गए पीछे बहनों के पास के मैंने भी वहीं बैठना है अच्छा अब मेरे पास आना है अच्छा एक मिनट अच्छा जी ये वापस मेरे पास आ अनिल साहब इस तरह बैठ के गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि ट्रक चला रहे हैं आदि बिल्कुल सीधी सीट जबकि कभी अनिल ने की नहीं है बिल्कुल सीधी हम कभी सुजुकी लोड करते हो हमसे 100 ले लेते हाँ ये तो है गाड़ी नहीं लोड करो गाड़ी किस काम की भाई बिल्कुल सही बात है सारा सामान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में आ जाता है जब भी हम हराज आए हैं तो हमने सामान अपनी गाड़ी में ही लेके गए हैं घर तक तो बस ये हमारी हालत हो रही है अब सीधा जा रहे हैं हम घर को जी और अदील साहब मुझे इतनी हंसी आ रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे अदील साहब बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठे हुए ट्रक चला रहे हैं मैम कहाँ जा रही है भूख लग गई अब है राज घूम घूम के चलो, अब करेंगे कुछ पेट पूजा मोहम्मद खाएगा हमने खाना खा लिया और खाना बहुत मजे का था हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था घर के पास ही है ये होटल और अल्हम्दुलिल्लाह चावल मुर्गी बहुत मज़े के थे और मोहम्मद ने भी पेट भर के खाए बच्चों ने भी पेट भर के खाए अब हम जा रहे हैं घर सीधा तो घर जाके करेंगे सेटिंग इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अल्लाह हाफिज़ जी